গজল সঙ্গীতে নরনারী বিচিত্র মনোভাব, যেমন পূর্বরাগ, অনুরাগ, মনস্তাপ, বিরাগ, বিচ্ছেদ, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, বিরহ, মিলন ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এর পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রেম, ভক্তি, ভালোবাসাও প্রকাশ পায়। গজলের উদ্ভব পারস্য দেশে। পারস্য সঙ্গীত থেকেই গজল গানের ধারা ভারতে অনুপ্রবেশ করে। ভারতীয় সঙ্গীতে গজলের দুটি ধারা, উত্তর ভারতীয় এবং দক্ষিণ ভারতীয়। দিল্লি এবং লখনৌ গজল চর্চা দুটি প্রধান কেন্দ্র। পার্শ্বশ্রেষ্ঠ সাধক কবিরা যে গজল রচনা করেন তাতে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ভারতে গজল গানের প্রবর্তন হলে ফার্সি, উর্দু এবং অন্যান্য ভাষাতেও প্রচুর গজল রচিত হয়। তাতে রাগ সঙ্গীতের মাধুর্য যুক্ত হওয়ায় গজল গান নতুন মাত্রা পায়। গজল গানে মনকে আপ্লুত করার একটি বিশেষ গুণ আছে। মির্জা গালিব, জক, আরজু, সম্রাট জাহাঙ্গীর, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, নবাব ওয়াজেদ আলী খান, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মীনা কুমারীর অজস্র সুন্দর গজলের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতের গজল জগতে অন্যতম পরিচিত নাম স্বাতী বর্ধন। গজলকে যাতে আরো জনপ্রিয় করে তোলা যায় তার জন্য কলকাতায় এক গজল সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। বর্তমান সময়ে সাধারণ মানুষ গজল সেভাবে শুনছেন না, বিশেষত বর্তমান প্রজন্ম। তাদের মধ্যে গজল যাতে জনপ্রিয় হয় তার জন্য তারই উদ্যোগ বলে জানালেন স্বাতী বর্ধন। গজলকে জনপ্রিয় করে তুলতে বেশ কিছু নতুন কম্পোজিশনও করেছেন তিনি। এদিন অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন মুরলীধর শর্মা, বিজেন্দ্র শর্মা, কবি ডক্টর কবিতা কিরণ, অরুণ শর্মা, অরুণ ভাটনাগর, আয়ুব আক্তার সহ অন্যান্য বহু বিশিষ্টরা। স্বাতীজি বহুত আচ্ছে গজল সিঙ্গার হ্যাঁ, আর ইনসে মেরা যে রাবতা হুয়া বিজেন্দ্রজিকে মাধ্যম সে হুয়া, আর ইয়ে এসা বহুত প্রোগ্রাম মানে অ্যাটেন্ড কিয়া হ্যাঁ কি যাহা পে আপ যে গজল গায়ক হ্যাঁ গজল গা রে হ্যাঁ আপ উনকো সুন রে হ্যাঁ, বট ইনোনে এক এক্সপেরিমেন্ট কিয়া হ্যায় যো কাবিলে তারিফ হ্যায়, ও ইয়ে হ্যায় কি ইনোনে পোয়েটস কো বুলায়া হ্যায় জিনকি গজলে ইনোনে গাই হ্যায়, তো ইয়ে আপনে আপ মে রাদার মে ইনকা শুক্রগুজার হুঁ কি ইনোনে জো হ্যায় ইয়ে সম্মান হাম লোগো কো দিয়া। सर बेसिकली आज के मॉडर्न जमाने में लोग जो सर पॉप सिंगिंग या फिर अभी के मॉडर्न जमाने का गाना पसंद करते हैं, यंग जनरेशन जो सर गजल से काफ़ी पीछे होते जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए? जैसे स्वाती बर्धन जी, मैं भी इनका सुन रहा था, मुझे बहुत पसंद आया, सर इनके लिए कुछ ऐसे यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज फॉर द गजल पर्पस? देखिए हर जमाने की हर जमाने में जो है एक तरीके के टेस्ट जो हैं लोगों के डेवलप होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ऐसे नहीं होते हैं कि जो गज़लों को नहीं सुनेंगे। अब स्वाति जी ने जो गज़ल्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किए हैं आप देख रहे होंगे, उन्होंने नए तरीके से गज़लें गाई हैं। एक ज़माना था गज़लें जो हैं वो ठुमरी के स्टाइल में गाई जाती थी, अब इन्होंने जो है गज़ल के साथ में भी एक्सपेरिमेंट किया है। आपने कोक स्टूडियो का सुना होगा, अब तो इस तरीके से जो है वो म्यूज़िक के साथ भी एक्सपेरिमेंटेशन होते जा रहे हैं। तो और मेरा अपना मानना ये है कि देखिए गज़ल जो है वो गज़ल पूरी तरह से वाकिफ नहीं है हालात से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गज़ल ने अपनी ज़बान ज़रूर बदली है, बाकी आप सोशल मीडिया को देखिए, आप एक रेख्ता साइट है और तमाम लोग बहुत बहुत जुड़े हैं लोगों से, ऐसा नहीं है। ये गज़ल के शदाई जो हैं, गज़ल से मोहब्बत करने वाले, वो पहले से ज़्यादा हैं अभी इस तरह। एक चीज़ ज़रूर है कि पहले लोग मशक्क़त बहुत करते थे, मश्क करते थे, अपने आप में मेहनत बहुत करते थे। आज का जो बच्चा है वो जो नई यंग जनरेशन है वो चाहती है कि एक दिन में मैं मीर और गालिब हो जाऊँ, वो उनको थोड़ा सा तपस्या की ज़रूरत है, रियाज की ज़रूरत है। मैं गज़ल से तो मोहब्बत करता हूँ, जबकि गज़ल और दोहा कोई मोटे तौर पर क्या है, कोई बुनियादी फ़र्क यही है कि गज़लें लगती फूल सी, दोहे जैसे तीर, दोनों की तासीर में एक दो मिसरों में दास्तान, दोनों की तासीर, यानी कि दो मिसरों में पूरी दास्तान कहने का जो फन है वो अल्लाह ने गजल और दोहों को दिया है। नहीं, इन्होंने छेड़छाड़ तो नहीं की, इन्होंने इजाफा किया है। नहीं नहीं, वही छेड़छाड़ इन द सेंस का मेरा कहना है, मतलब जैसे मैं आपने सुना हो पहले कबीर के दोहों को वही फिल्मों में भी गाया गया, और निदा साहब के दोहों को जगजीत साहब ने एक अलग अंदाज से गाया, और सर से मैं बात ही कर रहा था, एक नया मैंने जिंदगी में आज पहली बार देखा, सैक्सोफोन को दोहों में इस्तेमाल करना काबिले तारीफ है। तो इन्होंने इजाफा किया है। पर जो मैं बोलना चाहूंगी, बीइंग फ्रॉम द स्टेट वेस्ट बंगाल वेयर गजल इज ट्रीटेड एज एन एलियन समथिंग, एलियन म्यूजिक, सो वहां पे गजल गाना मेरे लिए, मैं कहूंगी अपनी बहुत हिम्मत है, मैंने ऐसे प्रोग्राम को रखा, लोग आए नहीं उतने, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग आए हैं, पोएट्स आए हैं, मैं खुश हूँ उनमें से, जो लोग समझदार है वो लोग आए हैं, मैं खुश हूँ। तो वेस्ट बंगाल में गजल को ऐसे गाना
शायद मैं ही फर्स्ट हूँ ऐसे गज़ल को कंपोज करके गाना। बाहर स्टेट में गाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसे गज़ल को गाना, हम तो कहेंगे दिस इज आई एम द फर्स्ट वन हु इज़ डूइंग दिस। एंड जो भी कोई गाता है यहाँ पे ना समझ के बिना गाते हैं गज़ल को, हम थोड़ा कोशिश करते हैं समझ के गाने के लिए, और यही कोशिश रहेगी। तो गजल को समझने में, वर्ड्स को समझने में मेरी कोशिश रहती है। मैम, सिंगर, कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर, तीनों चीज एक साथ करना आपने, ऊपर वाले वो मेरे हाथ में कुछ नहीं, जब आता है देता है तो वो ऊपर वाले देता है, वो कैसे करती हूँ मुझे भी पता नहीं। तो एक गाने को तीन बार, जैसे मैं स्टूडेंट डिसाइपल हूँ विदुषी शिप्रा बोस की, विदुषी पूर्णिमा चौधरी की, मैं देखती थी विदुषी शिप्रा बोस के पास गाना सीखने जाती थी तो एक गाने को चार बार गाती थी वो, चारों तरफ मतलब चारों, जब चार जन को देती है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन, वो भी कंपोज करती थी। लेकिन उसकी वो उसमें समझ में नहीं आता, गाना कितना सीखा पता नहीं, लेकिन वो समझ में आ गया कि एक गाने को इस तरीके से सोचा भी जा सकता है। तो मे बी दैट इज द पॉइंट, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैसे सोचते हैं। और मैं पढ़ती भी हूँ बहुत कुछ, सारे बुक्स पढ़ती हूँ, जैसे एडवर्ड डे बोनो के किताब्स पढ़ती हूँ, लैटरल थिंकिंग, तो कैसे किया जाता है वो लोग, तो मुझे समझ में आता है कि वो कैसे किया जाएगा, वो कंपोजिशन क्यों होता है, क्यों करते हैं, तो ये क्यूरियोसिटी से मैंने ये किया है, तो इट्स एन एक्सप्लोरेशन ऊपर वाला। Did you miss something today? किसी को आप मिस कर रहे हैं? हाँ, I missed my husband, बस that's it. मैंने उनके लिए गाना भी लिखा, बहुत कुछ लिखा है उनके सोच के, लेकिन ठीक है, ही इज माई इंस्पिरेशन, गाना गाओ, जाते वक्त बोल के गए थे गाना गाओ, गाना गाने के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।